नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 78 न्यूज इंडिया और आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है। चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और इस पर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि चुनाव एक पवित्र त्यौहार है और इसको बहुत ही भव्य तरीके से मनाना चाहिए, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाना चाहिए और उन्होंने जनता से अपील की है कि बढ़ चढ़ कर मतदान पर जाकर वोट दें। साथ ही साथ कोरोना महामारी से भी बचने के पूरे प्रयासों पर डट कर मुकाबला करने के लिए जनता जनार्दन से आग्रह किया है। हम हृदय से स्वागत करते हैं। इस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने का दावा किया है और उन्होंने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में जो भी भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य किए उनके आधार पर जनता उन्हें पुनः मुख्यमंत्री के रूप में चुनेगी और अपना विश्वास जताएगी। सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। 10 मार्च 2022 को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरा विश्वास है कि जनता उन्हें ही दोबारा मुखिया के रूप में देखना चाहेगी। प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान। इस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने विकास कार्यों के बारे में भी बताया। विकास के लिए उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर। और लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी में बिल्कुल भी घबराएं नहीं और हिम्मत से काम लें और सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखें। ऐसी ही तारा तरीन खबरों के लिए जुड़े रही है यूपी 78 न्यूज इंडिया के साथ। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से बदलाव और विकास एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है।